हेलो क्लास, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब तक हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, ये सब चीज हम अब तक देख चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डीसी मोटर, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें और हमें मैकेनिकल फॉर्म में वर्क मिले, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस हो। आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, उसको यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कराने वाले हैं। अब चेंज मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे करेंगे? मैकेनिकली हम अपने हाथ से एक मैग्नेट को पकड़ेंगे या फिर किसी भी तरह से हैंडल में उसको अरेंज करेंगे और उसको मैकेनिकली मूव करेंगे, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है आसपास में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो उसके आसपास में हैं, वो चेंज हो किसी एरिया से जब वो पास कर रही है। फॉर एग्जांपल, ये एरिया मेरा और ये मेरा मैग्नेट है, जब मैं इसको आसपास पास ले जाऊंगा तो सिंपल सी बात है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से काफी ज्यादा गुजरेगी, और अगर इसको दूर लेके जाऊंगा इससे इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होने लगेगी। तो दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इससे हम क्या प्रोड्यूस करवाने वाले हैं? करंट। सो द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन of mechanic, changing magnetic field to current is known as electromagnetic induction. Second चीज जो हम देखने वाले हैं, that will be Faraday's experiment. ये जो setup है, ये Faraday's experiment के लिए है। इसको अभी हम last discuss करने वाले हैं। Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. Last में हमने पढ़ा था Fleming's left hand rule. आज हम बात करेंगे Fleming's right hand rule की। So naturally तीन फिंगर्स जो हमारी हैं, थंब और फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर, इन तीनों को हम अगर ऐसे नेचुरली स्ट्रेच करें तो ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा फोर फिंगर के अलोंग ओरिएंटेड है और फोर्स या मोशन जो है वो थंब के अलोंग ओरिएंटेड है, तो हमारा जो सेंट्रल फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट इंड्यूस होने वाला है, उसकी डायरेक्शन देगा सेंट्रल फिंगर। जब मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर के अलोंग ओरिएंटेड होगा और फोर्स जो है वो थंब के अलोंग ओरिएंटेड होगा, तो इसकी स्टेटमेंट आप खुद बना सकते हैं और एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। स्ट्रेच योर राइट फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब नेचुरली सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ इफ द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन एंड the forefinger is in the direction of magnetic field, the central finger gives the direction of the induced current. तो ये बात होगी Fleming's right hand rule की। अब हमारे लिए आज को discuss करने के लिए बचता है Faraday's experiment। तो देखिए कि magnetic induction जो है या electromagnetic induction जिसको हम कहते हैं, ये हमें पता कैसे चला कि इस तरह का कुछ होता है? ठीक है, तो एक fun activity या फिर experiment हमारे लिए एक फन एक्टिविटी है, पर उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट हमारे फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट हुआ, उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने एक सिलेंड्रिकल सिस्टम लिया, उसके अराउंड इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दी ऐसे कॉइल्स टर्न बना के, और उसको कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से। अब तक हम एमीटर, वोल्टमीटर, इन सब से इन सबको जान चुके हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये बताता है कि करंट है कि नहीं, और अगर करंट ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी इसके अंदर, और करंट कम है तो डिफ्लेक्शन कम होगी, पर इसके अंदर कोई एक डायरेक्ट मीटर नहीं होता कि हाँ करंट कितना है, हम मेजर नहीं कर सकते कितना है, पर हाँ ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर करंट है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्या? गैल्वेनोमीटर। तो इस एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया, ये सेटअप बनाया ऐसे और इसके पास रख लिया है मैग्नेट। सबसे पहले मैग्नेट को रखा स्टेशनरी, मूव नहीं किया,
तो जब उसने मूव नहीं किया तो इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना होने का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट काम उसने किया कि इस बार मैग्नेट को इसको क्लोज लेके आया। जैसे जैसे वो क्लोज लेके आया इसके अंदर एक करंट एस्टैब्लिश हो गया और इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो ही ना। सेकंड मूव किया उसको इसके टुवर्ड्स, जैसे जैसे इसके टुवर्ड्स मूव किया एक करंट इंड्यूस हो गया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी। थर्ड उसने क्या करा, फिर से रोक दिया कि मैंने अभी थोड़ा सा चलाया, रोक दिया। फिर से रोक देने के बाद फिर से करंट रुक गया, अब फिर से डिफ्लेक्शन नल, जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं बीच में। ऐसे सुई होती है इसकी, अगर डिफ्लेक्शन शो करे तो मतलब करंट है। पहले उसने स्टेशनरी लिया, फिर मूव किया थर्ड, फिर उसको थोड़ा सा मूव करके रोक लिया, फिर से स्टेशनरी हो गया। अब उसने इसको वापस खींचा, थर्ड उसने क्या करा, रीटेक, कि जहां से उसने इसको मूव करना शुरू करा था वहीं वापस लेके चला गया इसको। तो फिर से एक करंट एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन इस बार कैसा, डायरेक्शन अपोजिट थी करंट की, ठीक है। थर्ड चीज उसने क्या करी, अभी हमने एक इसको धीरे धीरे लेके आए थे, थर्ड उसने नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक्सेलरेटेड या फिर बहुत ही ज्यादा स्पीड से एकदम से इसको पास लेके आया मैग्नेट को। तो फोर्थ केस में हाई स्पीड से, तो जब इसको जितनी हाई स्पीड से लेके आया ना उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर इसने, जितनी मतलब इस मैग्नेट के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, तो जितनी स्पीड से लेके आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू उतनी जल्दी चेंज होगी और उतनी ज्यादा हमारी डिफ्लेक्शन शो होगी। फिर वही उतनी स्पीड से बहुत ही मतलब तेज स्पीड से इस बार दूर लेके गए, डिफ्लेक्शन शो हुई ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट आया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने एक रिजल्ट एस्टैब्लिश किया, क्या, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, और इस करंट का उसने नाम दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो फैराडेस के एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने देखी और उनके बेस पे एक रिजल्ट या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हम पहला तो ये कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट, बात एक। बात नंबर दो कि जितनी तेज स्पीड से या जितना रैंडमली हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ही ज्यादा हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये दो मेजर रिजल्ट्स हमने यहां से ऑब्टेन करे, फर्स्ट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकंड, हाउ रैंडम या हाउ फास्ट, लिखो उसको दोबारा से, हाउ फास्ट, जितना ज्यादा हम उसको तेज मूव करेंगे द इंड्यूस्ड करंट विल बी हायर। तो लास्ट क्लास और इस क्लास के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके या इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हमने मैकेनिकल एनर्जी बनाई थी। अब हम मैकेनिकल एनर्जी की मतलब इसको हम मैकेनिकल एनर्जी से ही तो चेंज करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड को, इसको उठा करके पीछे ले जाने के लिए हमें मैग्नेट फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से अब हमें क्या मिल रहा है, करंट। तो आज की क्लास में जो हमने ये डिस्कस किया है इसके बेसिस पे इसकी एप्लीकेशन दैट इज डीसी जनरेटर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो तब तक के लिए आप ये सब रिवाइज करें, एंड फॉर द टाइम बीइंग स्टे ट्यून्ड, कीप वर्किंग।